वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं हूं अभिषेक। आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज के एपिसोड में बात करेंगे फिल्म हॉलीडे के बारे में, मतलब इस फिल्म का बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस पे कितना कलेक्शन किया और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट क्या था वो जानेंगे, और इस फिल्म के बारे में मैं अपना छोटा सा रिव्यू भी शेयर करूंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों आज से ठीक 10 साल पहले, मतलब आज ही के दिन 2014 6 जून को ये फिल्म रिलीज हुआ था। फिल्म के लीड रोल में थे अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, एक्सटेंडेड कैमियो रोल में गोविंदा, फ्रेडी दारूवाला और जाकिर हुसैन, और भी बहुत सारे सह कलाकार इस फिल्म में थे। दोस्तों हॉलीडे एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। फिल्म को डायरेक्ट किया था A.R. मुरुगदास ने और प्रोड्यूस किया था विपुल शाह और अरुणा भाटिया, मतलब अक्षय कुमार का होम प्रोडक्शन। और दोस्तों फिल्म का म्यूजिक दिया था प्रीतम ने। सो फ्रेंड्स, फिल्म का बजट था 86 करोड़ और इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे इनकम किया था 11.92 करोड़, जो कि एक अच्छा नंबर था। लेकिन वीकेंड में, मतलब सैटरडे और संडे को कलेक्शन बहुत ही बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखा। इस वजह से कलेक्शन बहुत ही इम्प्रेसिव 41.18 करोड़ इन फर्स्ट वीकेंड, जो कि एक बहुत ही इम्प्रेसिव नंबर था। और वीकडेज में भी इस फिल्म ने अपना स्टेबिलिटी बरकरार रखा और पहले वीक के खत्म होने तक इस फिल्म ने कलेक्शन कर लिया था 68.64 करोड़, जो कि अगेन एक इम्प्रेसिव नंबर था। और इस फिल्म का ओवरऑल नेट इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन था 112.44 करोड़, मतलब 112 करोड़ 44 लाख, और बॉक्स ऑफिस पे हॉलीडे एक हिट फिल्म साबित हुआ था। स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहो तो पॉज करके डेटा देख सकते हो दोस्तों। और अब इस फिल्म के बारे में अपना एक छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों एक आउटस्टैंडिंग मूवी है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ये फिल्म दोस्तों। मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप लोग उठ नहीं पाओगे, मतलब थ्रिलिंग, ग्रिपिंग, एंगेजिंग, एज ऑफ द सीट मूवी है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, मतलब कहीं भी कोई बोर नहीं है, मतलब शुरू से आखिर तक ये फिल्म आपको बांध के रखेगा दोस्तों। और अक्षय कुमार ने बहुत ही बढ़िया काम किया इस फिल्म में, मतलब इस फिल्म में अक्षय कुमार ही अक्षय कुमार है। मतलब क्या हैंडसम दिखे वो, बहुत ही बढ़िया वो देखे, बहुत ही हैंडसम लगे वो, लगे पीछे देखो कबूतर है बहुत ही हैंडसम दिखे इस फिल्म में वो, और बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस फिल्म में। सोनाक्षी सिन्हा भी बहुत ही खूबसूरत दिखी, उन्होंने भी अच्छी अदाकारी निभाई है इस फिल्म में। और एक्सटेंडेड कैमियो रोल में गोविंदा ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत ही हंसाया उन्होंने, कॉमिक पोर्शन दिया गया है उनको, बहुत ही बढ़िया लगा। और नेगेटिव रोल में जो एंटागोनिस्ट है फ्रेडी दारूवाला, उनका काम भी ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक ठाक था। सभी सह कलाकार ने अच्छा काम किया है। गाने इस फिल्म में अच्छे हैं, स्पेशली वो आज दिल शायराना अरिजीत सिंह का गाना बहुत ही फेमस है दोस्तों। ओवरऑल एक वेल एंटरटेनिंग मूवी है अक्षय कुमार के अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखे हो तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूंगा ये फिल्म को, आप देखिए, आपको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगा। और कमेंट करके बताना आपको ये फिल्म कैसा लगा दोस्तों। तो ये था इस फिल्म के बारे में मेरा राय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। और अगर किसी फिल्म के बारे में आप लोग जानना चाहते हो, मतलब बजट, बॉक्स ऑफिस, कलेक्शन, वर्डी जो भी हो या कुछ फैक्ट हो, मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों टिल देन, टाटा बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।